सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे पुराने से पुराने आईडी को कैसे खोलना है। आप लोगों ने अगर बहुत सारा 2 साल 3 साल चाहे जितना भी पुराना आईडी हो उसको आप लोग चुटकियों में खोल सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ पे 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप लोग उसको चुटकियों में खोल सकते हो बिना पासवर्ड के और बिना ही विदाउट ईमेल आईडी के। वो कैसे खोलना है मैं इस वीडियो में आप लोग को सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप लोग को वॉच करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का घंटी दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना समय के बस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग को फॉरगेट विथ लॉगिन डिटेल्स, यहाँ उसके बगल में आप लोग को गेट हेल्प विथ लॉगिन वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर लोग को क्लिक कर लेना होगा। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे आप लोग अपना खुद का आईडी पहले ढूंढना है, उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे गेट हेल्प विथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग को थोड़ी देर लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आप लोग को यहाँ पे फिल करने के लिए बोल रहा है। तो यूज़र नेम फिल करने के लिए आप लोग को यहाँ पे पहले वाला जो यूज़र नेम है आप लोग का पुराना आईडी का या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जिस चीज़ से भी आप लोग यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो वहाँ से आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे ये यूज़र नेम पहले वाला आईडी का याद है तो यहाँ पे मैं अपना पहले फिल कर लेता हूँ यूज़र नेम। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम फिल कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा तो वो आपका अकाउंट दिखाता है। तो आप लोग देख लेना है कि वो अकाउंट है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जी हाँ का जी वो मेरा अकाउंट आ चुका है। आप लोग को भी देख लेना है कि नहीं आता है तो आप लोग को फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेना है या फिर कुछ से देख लेना है कि आता है कि नहीं। तो वो आ जाएगा 100%। मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो यूज़र नेम जैसे ही डालिएगा वहाँ पर आप लोग ऊपर में आप लोग को यहाँ पर पिक्चर के साथ शो कर लेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करना होगा, सेंड एन ईमेल। तो ईमेल आईडी आप लोग ने डाल रखा होगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप लोग का यहाँ पे जो कोड जाता है लॉगिन कोड वो चला जाएगा, और नहीं तो सेंड एन एसएमएस मैसेज। तो यहाँ पे सेकंड में सेंड एन एसएमएस मैसेज मुझे यहाँ पे मैसेज में भेजना है तो इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। और यहाँ पर जो नंबर आप लोगों ने यहाँ पर डाल रखा होगा उस पर आप लोग का एक लॉगिन कोड जाता है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा आता है। तो देखिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे देखिएगा मेरा यहाँ पे ऊपर में लॉगिन कोड आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे लॉगिन कोड जो है वो मेरा आ चुका है और वो डायरेक्ट लॉगिन कोड से यहाँ पे फ़ोन में था वो डायरेक्ट ले लिया है। तो उसके बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि वो आईडी ओपन हो चुका है कि नहीं। देखिएगा जो है आईडी ओपन हो चुका है। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।